हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आयुर्वेदिक टिप्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन खाने के और अजवाइन के पानी पीने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमारी किचन में मौजूद ये अजवाइन एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है और काफी पुराने समय से हमारे घर में भी हमारी दादी नानी हुई वो भी जो है अजवाइन का प्रयोग औषधि के रूप में करते आ रही हैं और आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है और आयुर्वेदिक औषधियों में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल से बताने वाली हूँ कि अजवाइन के क्या क्या फायदे होते हैं, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, अजवाइन का प्रयोग कब करना चाहिए, किस किस तरीके से करना चाहिए और इसका प्रयोग करके आप किन किन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, ये सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को अजवाइन के प्रयोग करने का सही तरीका नहीं पता होता है जिसके वजह से उनको लाभ नहीं मिल पाते हैं और लाभ मिलने के बजाय उनको जो है बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं अगर सही तरीका पता नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप सही तरीके से अजवाइन का प्रयोग करेंगे तो ये आपकी छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो बिल्कुल ही ठीक कर देती है। ऐसी छोटी छोटी बीमारियों के लिए आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ अजवाइन का प्रयोग करके ही आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और इसके आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो प्लीज वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अजवाइन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अजवाइन में सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस और कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं और आपकी हड्डियों को कमजोर होने से बचाते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा इनमें जो है कार्ब्स और फैटी एसिड पाए जाते हैं, फाइबर भी पाया जाता है जो कि आपको कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाता है, पेट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको दूर करता है। इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल और एंटी बैक्टेरियल गुण पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर में बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं और कोई भी आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट गुण भी इसमें पाए जाते हैं और इस वजह से आपका इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी स्ट्रांग होता है जिससे आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, इतने सारे पोषक तत्व अजवाइन में पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अजवाइन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस किस तरीके से आपको इसका प्रयोग करना है। सबसे इसका पहला बेनिफिट मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये आपके वजन को बहुत ही तेजी से कम करता है। पेट की चर्बी को अगर आप कम करना चाहते हैं, अपने मोटापा से परेशान हो चुके हैं और पेट की चर्बी को कम करने के लिए आप बहुत सारे रेमेडीज का प्रयोग करके देख चुके हैं, आपको कोई भी फायदा नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि अजवाइन जो है आपके वजन को कम करने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए रामबाण इलाज माना जाता है। और NCBI के मुताबिक मिनरल्स और फाइबर से भरपूर अजवाइन में थाइमोल एसेंशियल ऑयल पाया जाता है जो कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और शरीर को एसिडिटी से बचाता है। इसका रोजाना सेवन करने से आपके वेट लॉस में फायदा मिलता है। इसके लिए आपको किस तरीके से प्रयोग करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। रोजाना सुबह खाली पेट आपको अजवाइन के पानी का प्रयोग करना है। इसके लिए आपको रात को एक गिलास पानी लेना है, इसमें एक चम्मच आपको अजवाइन को भिगोकर रख देना है। सुबह में इसके जितने भी अजवाइन के पोषक तत्व हैं वो पानी के अंदर आ जाएंगे, तो सुबह में आपको इस पानी को हल्का सा बॉयल कर लेना है और जब ये गर्म हो जाए पानी तब आपको अजवाइन को छान लेना है और अगर आप अजवाइन को चबाकर खाना चाहें तो चबाकर खा सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद इस पानी को, अजवाइन के पानी को आपको डेली सुबह में खाली पेट प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, इसके प्रयोग करने से आपके शरीर के जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं, आपका शरीर डिटॉक्स हो जाता है और इसी से पीने से जो है आप हेल्दी रहते हैं और इससे शरीर में जमा होने वाला कैलोरीज भी बहुत ही जल्दी कम होने लगता है जिसकी वजह से आपका वजन बहुत ही तेजी से कम होता है, जो आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी रिड्यूस होने लगता है। तो ये जो अजवाइन का पानी है बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है आपके वजन को कम करने के लिए। इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात करूं तो एक गैस, एसिडिटी, पेट दर्द की समस्या से छुटकारा दिलाने में भी रामबाण इलाज की तरह काम करता है। तो अगर आपके पेट में है हमेशा गैस, एसिडिटी की समस्या बनी रहती है या आपका पेट हमेशा दर्द करते रहता है या जब भी आपको लगे कि आपका पेट दर्द हो रहा है, गैस बनी हुई है आपके पेट में, तो आप इसके लिए एक चम्मच अजवाइन ले लीजिए। इसमें चुटकी भर आपको काला नमक मिलाना है और इसे चबा चबा कर इसके रस को निगलते जाना है और जब अच्छे तरीके से इसे चबा कर निगल जाइए तो आपको
एक गिलास गर्म पानी पीना है, उतना गर्म पानी जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। इसे आपको पी लेना है घुट घुट करके। आपको 2 से 5 मिनट के अंदर आपको बहुत ही आराम मिलेगा, आपका पेट दर्द बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और गैस एसिडिटी की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। तो आप इस तरीके से अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो इससे आपके शरीर में मौजूद जो टॉक्सिक पदार्थ हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं। इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात करूं तो आपको कब्ज को दूर करने के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें जो है कार्ब्स और फाइबर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके कब्ज की समस्या को छुटकारा दिलाने में काफी मदद करता है। इसके लिए इसके रामबाण इलाज की बात करूं तो इसके लिए अगर आप पुराने समय से कब्ज की समस्या से परेशान है या आपके शरीर में आपके पेट में हमेशा कब्ज की समस्या बनी ही रहती है तो रामबाण इलाज मैं बताती हूँ और आजमाया हुआ नुस्खा आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको रात को सोने से पहले 1 चम्मच अजवाइन को ले लेना है और इसमें आपको 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। दोनों को आपको साथ में चबा चबा कर खा लेना है और 1 गिलास गर्म पानी आपको पी लेना है। सुबह में इस तरीके से अगर आप प्रयोग करेंगे तो सुबह में आपका पेट बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं गारंटी देती हूं कि अगर आप लंबे समय से कब्ज की समस्या से परेशान है तो आप इसका प्रयोग 2 से 3 दिन करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपको कुछ ही दिनों से 1-2 दिन से आपको कब्ज की समस्या है तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, 1 बार में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगी कि अगर आपको हो सकता है कुछ टाइम लगे रिजल्ट मिलने में तो आप इसका प्रयोग तब तक कीजिए जब तक जो है आपका पेट बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ नहीं हो जाता है। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये राजीव दीक्षित जी द्वारा बताया हुआ बहुत ही आजमाया हुआ बहुत ही असरदार नुस्खा है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान है। इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात करूं तो ये पाचन तंत्र को सुधारने के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि आपके पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद एक्टिव एंजाइम ब्लोटिंग की परेशानी को दूर करते हैं, साथ ही गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे खाने को पचाने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। तो अगर पाचन तंत्र को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो जब भी आप खाना खाएं उसके खाना खाने के बाद 1/2 चम्मच आप अजवाइन को ले लीजिए और चबा चबा कर इसके रस को निगलते जाइए। इससे खाना जो है आपका बहुत ही जल्दी हजम हो जाता है और आपको गैस एसिडिटी की समस्या से छुटकारा मिल जाती है। इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात करूं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने में बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार अजवाइन के बीज में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। दरअसल हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल शरीर में हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है, क्योंकि मैं आपको बात बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यानी कि एलडीएल की मात्रा, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, अगर आपके शरीर में एलडीएल की मात्रा बढ़ जाती है तो 99% आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो अजवाइन है आपके एलडीएल की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है और एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने का काम करता है, जिससे आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा जो है बढ़ चुका है तो इसे नियंत्रित करने के लिए आपको 1 कप अजवाइन के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पीना है। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ठीक हो जाता है। अजवाइन का पानी किस तरीके से तैयार करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे डिटेल से सब कुछ बता दिया है कि अजवाइन खाने के क्या क्या फायदे होते हैं, अजवाइन के पानी पीने के क्या क्या फायदे होते हैं और आपको किन किन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए किस किस तरीके से अजवाइन का प्रयोग करना है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, घरेलू नुस्खे की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।